माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज बना है वेजिटेबल फ्रूट मिक्स सलाद। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का, मेरे तरीके से बनाएंगे तो हेल्दी रहेंगे और मज़े से रहेंगे। फिर अपनी फैमिली और फ्रेंड में मुझे शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, मेरे नए देखने वाले मुझे सब्सक्राइब करेंगे और स्टार्ट से एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तान के प्यारे प्यारे लोगों, और पाकिस्तान से बाहर जो मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरा अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल फ्रूट मिक्स सैलेड। एक खीरा लिया है मैंने, छोटा सा बंद गोभी का फूल, एक सब्ज़ मिर्च, एक टमाटर, थोड़ा सा चुकंदर और एक गाजर, एक लेमन, और इनको अच्छी तरह से धो लेना है। ये है एक मैंगो और साथ में है एक पीच, इनको भी मैंने मलमल के अच्छी तरह से धो लिया है। और आपकी मर्ज़ी, आप पूरा आम भी डाल सकते हैं, मैं आधा डालूँगी। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कटिंग। तो सबसे पहले हम गाजर को छील लेंगे, इनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। ये रेड वाली गाजरें मुझे नज़र आई थी, 60 रुपए की ये दो गाजरें मिली हैं, इतनी महंगाई है बंदा क्या करे। खीरे को भी अच्छी तरह धो के मैंने छील लिया, छील रही हूँ। और ये बहुत ही गर्मी में हेल्दी सैलेड है, और इनके किनारे काट लेने हैं और थोड़ा सा रगड़ लेना है ऊपर, कड़वा ना निकले खीरा। ठीक है जी, तो अब हम कटिंग करेंगे खीरे की। आप जौन सी भी शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं, मैं क्यूब्स में काटूंगी, चकोर छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काटूंगी। तो अब हम गाजर की भी कर लेंगे कटिंग। गाजर के अंदर से वो जो येलो पार्ट है उसको हम निकाल देंगे, अभी गाजरें सही नहीं आई तो वो काफ़ी सख्त है। ये देखें जी, हम येलो पार्ट निकाल रहे हैं और कड़वा भी होता है, ये अभी नई नई गाजरें हैं ना, तो इसलिए ये सही नहीं होता, इस येलो पार्ट का टेस्ट अच्छा। जी ये गर्मी का सलाद है, ये बड़ा मज़ेदार और हेल्दी सलाद है, ठंडक पहुंचाता है ये। इसमें खीरा भी है, बंद गोभी भी है, गाजर है, आम, आड़ू, सब्ज़ मिर्च, टमाटर और लेमन, ये चीज़ें इसमें जाएंगी, और बंद गोभी भी है। ये देखिए छोटा सा फूल लिया था मैंने, ये कोशिश करनी चाहिए बंद गोभी छोटा ही फूल लेने की, वो अच्छी होती है, नरम सी होती है, बड़ी वाली जो होती है ना बड़ा फूल वो सख्त होता है, बड़ा फूल खाने में इतना टेस्ट नहीं देता। ये बहुत मज़े का होता है छोटा फूल लेके, आप ट्राई करना एक दफ़ा। तो ये देखें जी, हमने बंद गोभी, गाजर और खीरे की कटिंग कर ली है, अब हम इसको बाउल में डाल देंगे। तो बहुत ही मज़े का ये सैलड बनता है, आपने ज़रूर बनाना है। ये जो डाइट बच्चियां कर रही होती हैं उनके लिए तो बहुत ही हेल्दी चीज़ है, तो इसमें सारी चीज़ें हैं और उन्हें वीकनेस नहीं होएगी। आम भी लोग खाने के साथ एक इसका छोटा सा बाउल जो होता है वो खा लिया करें तो अच्छा रहेगा, आपको जो खाना खाएंगे वो भी हज़म हो जाएगा और पेट में भारीपन भी नहीं होएगा। अब हम आड़ू की कटिंग करेंगे, इसको छील लेंगे अच्छी तरह से। छिलके तो हेल्दी होते हैं पर क्या करें, आजकल बीमारियां इतनी हैं और वो स्प्रे करते हैं ऊपर, तो वो चीज़ें फिर इसके छिलके खाने के लिए सही नहीं है।
तो उल्टा और बीमारियां हो जाती हैं, तो इसलिए छील के ही खाना चाहिए, कभी भी स्किन के साथ नहीं खाना चाहिए फ्रूट। ये देखें जी, अब हम इनको भी टुकड़े में, चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखें जी, ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सैलेड है। ठंडा ठार गर्मियों में बहुत ठंडक पचाता है। खीरा है और जो आड़ू है उससे प्यास नहीं लगती इतनी गर्मी में। तो अब हम आम को छील लेंगे। मैं आधा आम डालूंगी, आप पूरा डालना चाहते हैं तो पूरा डालें, मैं आधा डालूंगी, आधे को छील लूंगी और उसको उतना काट लूंगी। ये देखें जी, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा सलाद बन जाता है। तो आप इसको ट्राई करना ज़रूर, स्टार्ट से एंड तक मेरी वीडियो देखना, कोई स्टेप मिस नहीं करना। अब हम ये थोड़ा सा चुकंदर है ये भी डाल लेंगे, इससे आयरन की कमी पूरी होती है। रोज़ आप सलाद बनाया करें उसमें आधा चुकंदर डाल लिया करें, और वेट भी कम होता है चुकंदर से, और गाल भी लाल और होंठ भी पिंक होते हैं, और आयरन की कमी भी दूर होती है। बालों के लिए तो चुकंदर बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये वाला सलाद ज़रूर बनाना और खाना, इसको एंजॉय करना। तो ये देखें जी, अब सब्ज़ मिर्च को हम बिल्कुल चॉप कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हो गई है बिल्कुल बारीक सी, तो इसको हम मिक्स कर देंगे। अब बारी आई लेमन की। अब हम लेमन की कटिंग करेंगे, इसके बीज पहले से ही इस तरह निकाल लिया करें, तो वरना वो सलाद के अंदर जाएंगे तो कड़वा कड़वा लगेगा जब बीज मुंह में आएगा। तो ये देखें जी, हमने एक चुटकी नमक की डाल दी है और साथ में लेमन को निचोड़ेंगे, उसका जूस निकालेंगे अच्छी तरह से। बड़ा प्यारा सा लेमन था तो 2-3 दिन पुराना, पर जूस काफ़ी अच्छा सा निकला है इसका। तो इस सलाद को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा प्यारा सा हेल्दी और ठंडा सा सलाद तैयार हो गया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दस्तरखान में एक और कलरफुल डिश का इजाफा किया। और हेल्दी ये चीज़ है, इसको आप लोग बनाएं इस सलाद को, और गर्मियों में तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, ठंडा ठंडा लगता है और सुकून मिलता है दिल को। तो आप ज़रूर बनाना, ये हेल्दी भी है, बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं, मेरे और मेरे बच्चों के लिए दुआएं करना। और